हेलो दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल है हमारा प्रोग्राम टू प्रिंट एन इंटीजर, एक फ्लोट और एक कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट कराना है हमें वेरिएबल्स में। ठीक है, देखिए प्रोग्राम में जो मैंने बताया है मेन कि करना क्या है कि हमें प्रोग्राम में प्रिंट करानी है एक इंटीजर, एक फ्लोट और एक कैरेक्टर वैल्यू को, जो कि हमने एक वेरिएबल को अलॉट किया है। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या है, कैरेक्टर वैल्यूज क्या है, इंटीजर फ्लोट सब आप जानते हैं, बस इसको प्रिंट कैसे कराना है अब हम देखेंगे। जैसे कि लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने एक टेक्स्ट को प्रिंट कराया था सिर्फ, जिसमें हमने हेलो इंडिया प्रिंट कराया था। अब देखेंगे कि एक वेरिएबल जिसकी एक वैल्यू है उसको कैसे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक जैसा आप जानते हैं कि हमें पहले हैश इंक्लूड stdio.h, पहले आप ये मान लीजिए कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और जो हमारे प्री पैकेज फंक्शन या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं उन्हें हमें डालना है। ये सिर्फ अकेला ही फंक्शन नहीं है जो हम यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं, मगर जैसा कि पहले भी बता रहा हूँ हर बार कि जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपनी डायरेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी आप उसके हिसाब से अपने डायरेक्टिव को यूज़ कीजिए। नेक्स्ट देखिए, मैंने लिया है वॉइड मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बता रखा है कि वो फंक्शन होता है जो जहाँ से कंपाइलर इसे रन करना शुरू करता है, और एक फंक्शन की रुक जाइए एक फंक्शन की जैसे मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन क्या होती है कि उसका पहले एक डेटा टाइप होगा, फंक्शन का नाम, और उसके बाद उसकी ओपन और क्लोज ब्रैकेट होती है। तो एक फंक्शन का हमेशा डेटा टाइप हमेशा ही होता है। इसमें मैंने वॉइड लिया हुआ है, वॉइड का मतलब कि मेन की बॉडी कुछ रिटर्न नहीं करेगी यहाँ पे। ठीक है, अब जो करली ब्रैकेट ओपन होगी मतलब उसकी बॉडी स्टार्ट हो चुकी है मेन फंक्शन की। अब देखिए, स्टार्ट होने का मतलब है कि हमारा कंपाइलर अब इसके अंदर आ चुका है और वो स्टेप बाय स्टेप जो हमने इंस्ट्रक्शंस, जो भी हमारे स्टेटमेंट से लिखी है उसे पढ़ता जाएगा और एग्जीक्यूट करता जाएगा। देखिए पहले इंस्ट्रक्शन में क्या है, इंटीजर ए इज इक्वल टू 900 और उसका टर्मिनेशन INT इंटीजर ए वेरिएबल इज इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर 900 उसकी वैल्यू और उसके बाद टर्मिनेट। देखिए पांच चीज़ें आ गई इसके अंदर, इंटीजर ए इज इक्वल टू 900 और टर्मिनेटर, पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट बन गई। कंपाइलर ने इसको कैसे लिया कि एक वेरिएबल है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, जिसकी वैल्यू है 900। ठीक है, अब जैसे ही उसे ये स्टेटमेंट मिलेगी वो क्या करेगा, मेमोरी के अंदर इंटीजर 2 bytes लेता है हमें पता है, तो मेमोरी के अंदर 2 byte का स्पेस रिजर्व कर देगा और उसके अंदर 900 वैल्यू डाल देगा और उस लोकेशन का नाम, मैं एड्रेस की बात नहीं कर रहा, नाम ए कर देगा। एक सिंपलर वे होता है इसे रिप्रेजेंट करने का, तो एक के नाम से उस मेमोरी लोकेशन को असाइन कर देगा 900 की वैल्यू 2 bytes की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसे मैंने कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर की मैंने वेरिएबल लिया बी और असाइनमेंट ऑपरेटर से उसको वैल्यू दी ए। अब सेम उसी वे में कंपाइलर क्या करेगा, कैरेक्टर वैल्यू है बी वेरिएबल, मेमोरी के अंदर गया, 1 byte ली, 1 byte के अंदर वैल्यू को क्या रिजर्व, क्या वैल्यू डाली, ए। ठीक है, अब कैरेक्टर वैल्यू है तो ए उसके उस लोकेशन का नाम क्या दिया इसने, बी, और वैल्यू कितनी दी, 1 byte। नेक्स्ट इसने लिया फ्लोट, फ्लोट हो इसने एक डेटा टाइप ले लिया फिर से, वेरिएबल का नाम सी और वैल्यू है 2.005। तो सिंपल सेम वे में इसे मेमोरी के अंदर स्टोर कराएगा और इसके जो भी इसकी जो भी रेंज होती है डेटा टाइप की, जो भी मेमोरी स्पेस ये लेता है उतना कराएगा। आई थिंक ये 4 लेता है तो 4 bytes ये स्पेस रिजर्व करा देगा और वैल्यू दे देगा वहाँ पे 2.005 और मेमोरी लोकेशन का नाम दे देगा सी। अब देखिए, जो हमने तीनों वैल्यूज ली है, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, इनको कैसे हमें अपने आउटपुट फंक्शन, जो हमारा प्रिंटर फंक्शन है मैंने बताया था, उसको यूज़ करके कैसे प्रिंट कराना है। देखिए तो सेम वे, आधा वे उतना ही है, बट इसमें वेरिएबल यूज कर लिया तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कराना थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। पहले लेंगे हम डबल कोट्स, प्रिंट एफ लिखने के बाद ब्रैकेट ऑन करनी है और डबल कोट्स लेंगे, टेक्स्ट जो हम जो मर्जी लिखिए, मेन जो उसको यूज होता है, जो भी हमने वेरिएबल लिए उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है अंदर। जैसे मैंने लिखा इसके अंदर द इंटीजर वैल्यू इज ए इक्वल टू, इतना तो आपको सिंपल प्रिंट हो जाएगा। अब उसने आगे लिया है एम्परसेंट डी, देखिए एम्परसेंट डी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एम्परसेंट डी का मतलब होता है जब कंपाइलर को एम्परसेंट डी मिलेगा तो वह समझ जाएगा कि जो इसके अंदर वैल्यू यूज़ हो रही है वो एक इंटीजर टाइप की है, मतलब एक इंटीजर टाइप के लिए वो एम्परसेंट डी यूज़ करता है वैल्यू शो कराने के लिए। ऐसे ही
करेक्टर के लिए अलग होती है, फ्लोट के लिए अलग होती है, क्योंकि हमें जब हम जानते हैं कि करेक्टर इंटीजर फ्लोट आपस में अलग होते हैं तो उसका प्रेजेंट भी अलग तरीके से ही कराया जाता है। अब ले लिया एम्परसेंट डी, एम्परसेंट डी के का मतलब क्या हुआ, ये एक इंटीजर वैल्यू को यूज़ कर रहा है। उसके बाद मैंने लिया ब्लैक स्लैश एन, अब ब्लैक स्लैश एन पिछले ट्यूटोरियल पढ़ा होगा तभी आपको याद आएगा कि ब्लैक स्लैश एन हमारा क्या होता है, एस्केप सिक्वेंस होता है सी लैंग्वेज के अंदर, जिसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, इससे पहले जो प्रिंट किया वो पहली लाइन में और जो उसके बाद जो भी हमारी स्टेटमेंट प्रिंट है या स्कैनअप जो भी होगी वो हमारी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। अब मैंने डबल कोट्स को बंद किया, उसके बाद मैंने कोमा लगाया और फिर मैंने जो हमारा वेरिएबल लिया है इंटीजर ए वो लिखा, आप देख सकते हैं। तो सिंपलर क्या होगा कि इसने अब इस कमांड को कैसे लिया, द इंटीजर वैल्यू इज ए इज इक्वल टू, जो वैल्यू ए की है वो इसने उठा के एम्परसेंड डी की हेल्प से यहाँ पे प्रिंट करा दी और बैक स्लैश एन से नेक्स्ट लाइन में चला गया। और बाद में फिर हमने क्या किया दोस्तों कि इसे हमने ब्रैकेट को बंद किया और फिर एक टर्मिनेशन साइन लगाया। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हमने करेक्टर को कैसे प्रिंट कराना है, तो सेम वही प्रिंट एफ करके ब्रैकेट ओपन करके हम डबल कोट्स ओपन करेंगे और हमने कुछ भी लिख सकते हैं टेक्स्ट में, आप कुछ भी लिख सकते हैं, द करेक्टर वैल्यू इज बी या करेक्टर वैल्यू ऑफ बी इज दिस, कुछ भी, बट जो मेन चीज़ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमने एम्परसेंट स्टार्ट किया है, एम्परसेंट सी लगाया हमने यहाँ पे, करेक्टर के लिए हम सी यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो एम्परसेंट सी कंपाइलर को क्या बताएगा कि ये करेक्टर टाइप की वैल्यू यहाँ पे यूज़ होने वाली है जिसे मैंने प्रिंट कराना है। फिर से मैंने ब्लैक बैक स्लैश एन लगाया, मतलब नेक्स्ट लाइन में, डबल कोट्स को मैंने बंद किया, कॉमा लगाया और फिर मैंने जो करेक्टर का वेरिएबल है जो बी है उसे लिख दिया। मतलब इससे क्या बता रहा है कि कंपाइलर को जो बी की वैल्यू वो उठा के यहाँ पे डालनी है और प्रिंट करानी है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। सेम आ जाएंगे फ्लोट को कैसे प्रिंट कराना है, तो फ्लोट फ्लोट को प्रिंट कराने का तरीका देखिए सेम वही है, बस हमें इसमें एफ लगाना है। एफ लगाएंगे तो समझ जाएगा कि फ्लोट टाइप की डेटा टाइप की वैल्यू उठानी है और फिर वही कॉमा के बाद सी जो जिस वेरिएबल को यूज़ करके हमने फ्लोट डिफाइन किया है उसे यूज़ करेंगे और जो वैल्यू है 2.005 वो यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए आउटपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट का मैंने बताया था ऑल्ट F9 दबा के तो हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने का मतलब या लिंक भी कह सकते हैं कि एरर निकालना, उसके बाद हम कंट्रोल F9 से कंपाइल करेंगे एग्जैक्टली और इसे रन करेंगे। तो आउटपुट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर वैल्यू इज ए इज इक्वल टू 900, द करेक्टर वैल्यू इज बी इज इक्वल टू ए, फिर नेक्स्ट लाइन में द फ्लोट वैल्यू इज सी इज इक्वल टू 2.005। नेक्स्ट देखिए मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप एक्सप्लेनेशन को पूरा पढ़ सकते हैं कि वाइड मेन का क्या मतलब है यहाँ पे और फिर फंक्शन में जो हमने यूज़ किया एम्परसेंड डी एफ और सी इसका क्या मतलब है और जो अभी हमने वैल्यू असाइंड कराई है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्री डिफाइंड असाइंड वैल्यू कहते हैं कि हमने स्टार्टिंग में ही वैल्यू दे दी है, हमने यूज़र को नहीं कहा कि तुम डालो, स्टार्टिंग में दे दी, इसे हम प्री डिफाइंड वैल्यू कहते हैं। तो मेन इसके अंदर ध्यान देने वाली बात क्या है कि एम्परसेंड के बाद हमने क्या यूज़ किया है, किस डेटा टाइप के लिए क्या क्या यूज़ होना है और कोमा लगाने के बाद हमें वही वेरिएबल लिखना है जिसकी हम इंटीजर या जो भी टाइप डेटा टाइप के लिए हम एम्परसेंड यूज़ कर रहे हैं, मेन इस प्रोग्राम में यही है। इस प्रोग्राम को आप थोड़ा ध्यान से जरूर कर लीजिएगा, एक बार करेंगे दो बार करेंगे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि बेसिक प्रोग्राम है, यहाँ से अगर कहीं गलती करेंगे तो आगे जाके दिक्कत आएगी आएगी। चलिए दोस्तों आज का ट्यूटोरियल इतना ही था, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और प्रोग्राम्स को करेंगे ताकि और कंसेप्ट हमारे क्लियर होते जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चलिए थैंक यू दोस्तों।